And I'm one of the prime ministers of MPSA People Leakage Case. What's your government doing on this? देखिए इसमें द मैटर इज़ बीइंग हैंडल्ड बाय द सीबीआई, तो इसमें आई थिंक वहाँ में जो भी है तो मैं एक बार रिव्यू ले लेता हूँ और इसमें हम पता कर लेते हैं कि इसका क्या हो रहा है। देखिए देर इज नो नो केस इज गोइंग आउट ऑफ हैंड का बात नहीं है, क्योंकि जुडिशरी जो है वो अपना काम कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन देट हैव ऑलरेडी सेड कि ये तो सीबीआई के पास में भी है एंड दूसरा जो मनी ट्रेल वाला जो है ईडी इज लुकिंग आफ्टर इट। CBI and ED, you have always said in any interview we have asked you, you have said CBI and ED are looking into it, but as a state government, आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर में aspirants and the नहीं aspirants के लिए aspirants लोगों के लिए तो हम ये कहना चाहेगा कि जो गड़बड़ हो गया उसमें कानून जो है, कानून मतलब स्टेट गवर्नमेंट का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कानून को संभालने वाला जैसे CBI को लेके आया है तो CBI हो गया मैंडेट, तो वो लोग अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो सरकार का अभी सबसे बड़ा प्रयास तो ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को हम लोग ओवरहोलिंग करके टॉप टू बॉटम उसमें पूरा नया टीम हम लोग दे के एक नया टीम को अभी वहाँ पे चलाने देंगे, तो उसमें जो भी वहाँ पे लिकुना या जो भी है वहाँ पे वो लोग अपना ठीक करके एग्जामिनेशंस, क्योंकि करीबन एक साल हो गया अभी तक एडवर्टाइजमेंट निकाल नहीं पाया, तो अभी इतना थाउजेंड्स पोस्ट वहाँ पे देख के रखा हुआ है। तो अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट में ये मैटर जो पेंडिंग है मेंबरशिप को अपॉइंटमेंट करने के लिए, एस एन वेन ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस करने का साथ साथ नया टीम APCS में गठन करेंगे एंड दे विल टेक इट फॉरवर्ड फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट। आई एम वेरी होपफुल, क्योंकि अभी दिवाली का छुट्टी है, तो जैसे दिवाली का छुट्टी खत्म होने का साथ साथ ऑलरेडी हमने लर्नेड एडवोकेट जनरल को बोल के रखा है कि ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट में इसका मेंशन करने के लिए। गेट इज ऑलवेज ओपन एंड दे हैड अ मीटिंग वेरी रिसेंटली ऑन 7th of November विद माई चीफ सेक्रेटरी, और चीफ सेक्रेटरी के साथ में मीटिंग भी हो चुका है और चीफ सेक्रेटरी ने हमको ब्रीफ किया है। आई डोंट हैव ए डिटेल मीटिंग विद चीफ सेक्रेटरी, क्योंकि मैं टूर से आज ही आया हूँ वापस, तो इसमें क्या डिस्कशन हुआ है वो अभी डिटेली वो हमको ब्रीफ करेंगे, क्योंकि मैं ईटानगर अभी पिछले कई दिनों से मैं टूर में था बाहर में, वो डिटेली हम फिर जाके सुन लेंगे जब चीफ सेक्रेटरी को मिलेंगे। सर वो कहना था कि जब वो लोग सेक्रेटरी का जब मीटिंग किया था तो सेक्रेटरी का कहना था कि उसका फुल ऑथोरिटी नहीं है ये, तो उसके बाद पेन अंचल ने आपके साथ मीटिंग के लिए एप्लीकेशन दिया था। मैं बात कर लेता हूँ कि फुल ऑथोरिटी डेफिनेटली ब्यूरोक्रेसी डजंट हैव एनी ऑथोरिटी, वो बात तो क्लियर है, वो तो गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी इज़ नॉट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो जो गवर्नमेंट चलाने वाला ही गवर्नमेंट होता है, तो इसमें किस इश्यूज़ को लेके डिलीबेट हुआ है, जैसे मैंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी के साथ में मीटिंग करके फिर ज़रूरत पड़ेगा तो उन लोगों का हम बुला लेंगे। सर आई वुड लाइक टू पुट ऑन टुडेज डे क्वेश्चन सर, जस्ट लाइक अर्पिता जी ने कहा है कि वुमेन आर डूइंग ब्लूमिंग इन द फील्ड ऑफ इन एवरी फील्ड, सो आई वुड लाइक टू आस्क फॉर द नीड ऑफ रिजर्वेशन बिल दैट वी हैव पास्ड, 33% ऑफ द सॉरी 33% ऑफ द वुमेन रिजर्वेशन बिल हैज बीन ऑलरेडी पास्ड इन द बट इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, सो आई एम सो सॉरी सर। रिजर्वेशन बिल का ऊपर में आज आप लोगों ने मीटिंग रखा है, बट आज हमने विटनेस किया ये मीटिंग को लेस अबाउट वुमेन रिजर्वेशन बिल, मोर ऑन आउट रीचिंग टू द यूथ पब्लिक, सर व्हाई इज दैट सो, व्हाई इज नो कमेंट ऑन वुमेन रिजर्वेशन बिल बाय योर मिनिस्टर्स और बाय नहीं वुमेन रिजर्वेशन बिल का बारे में ही तो कहा ना कि ये तो मतलब देश का ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल रिफॉर्म है and this reform has been brought by the Bharatiya Janata Party headed by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Women reservation bill ko leke sadiyon se hi sun ke aaya chal ke aaya magar koi kisi ne kiya nahi hai, so it's a very welcome step, to uske liye to humne thanks bhi express kiya hai, to aane wala dinon mein dekhiye ki Arunachal mein bhi by 2029 jo iska roll out hoga minimum 20 seats will go to women as reservation, और इसके अलावा भी यू नो इन जनरल जहाँ में रिजर्वेशन वुमेन रिजर्वेशन नहीं है वहाँ में भी यू नो क्योंकि महिला लोग आगे बढ़ रहा है, तो आई एम वेरी होपफुल कि 20 प्लस वुमेन्स लोग अपना अरुणाचल में आएंगे एज लेजिस्लेटर्स। सर लास्ट टाइम वेल वर्स्ड विद अरुणाचल पॉलिटिक्स सर, जो जब भी रिजर्वेशन बिल आता है वो लोगों को व्हाट्स द चांसेस कि ये रिजर्वेशन बिल्स में भी मिसयूज हो जाए, जो
MLAs और ministers होता है वो काफ़ी अपने वाइफ्स लोगों को लगा देते हैं। ये देखिए ये एक खराब प्रैक्टिस है, इनफैक्ट धीरे धीरे लेकिन सुधर रहा है। एक साथ तो हम लोग पूरा एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे, मगर जो अपना एक्सपीरियंस जो है पंचायत इलेक्शंस में, शुरुआत में तो ऐसे हुआ है कि यू नो वुमेन रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी पंचायत में चल रहा है और बहुत सारा पोस्ट में देखा तो उतना एक्टिव वुमेन्स भी नहीं है। अपना हस्बैंड नामी दामी था तो उसका बदली में करके दिया हुआ है और मीटिंग्स में भी वुमेन नहीं जाता है, हस्बैंड को भेजता था। मगर मैंने क्लियरली डायरेक्टिव दे दिया है कि जो भी वुमेन है वही मीटिंग में आना है, और वही तो अभी रिफॉर्म बहुत बड़ा रिफॉर्म अभी एमपी और एमएलए में लेके आया इस बिल के अंतर्गत। सो 2029 तक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इसके ऊपर में और भी चर्चा होना चाहिए, और यू नो दैट जेन्युइन वुमेन शुड कम, जो लोग कैपेबिलिटी है इसमें इलेक्शन प्रोसेस में वही लोग आना चाहिए, और ऐसे नहीं है कि यू नो कि हस्बैंड कुछ वो मतलब कुछ नॉन फिगर है तो उसका वाइफ जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है उसको आगे बेचने के लिए। तो ऐसे आई डोंट एक्सपेक्ट कि 2029 में इस हालत ऐसा हालत होगा। सर माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द कमिंग इलेक्शन ओनली। लास्ट टाइम यू गिवन दिस स्टेटमेंट दैट कमिंग इलेक्शन में आप लोग 55 सीट जैसे भी लेके आएंगे, एंड यू सेड दैट कि हम आराम से लेके आएंगे। रिप्लाइंग टू दैट नवंतु की सीट की अगर सीट्स ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है तो इलेक्शन नहीं होने से भी ठीक है, एनीथिंग टू रिप्लाई? नो, सीट्स प्री डिसाइडेड इन द सेंस पब्लिक हैज डिसाइडेड द मैंडेट कि बीजेपी सरकार को ही लेके आएंगे, तो मैं पब्लिक का ही वॉइस को बोला था। इनफैक्ट माय प्रेसिडेंट हैज सेड 50, बट हम बोला कि मेरा प्रेसिडेंट भी गलत है, 55 तो होना चाहिए। सो सर वन लास्ट क्वेश्चन, सर यू से कि मनी कल्चर को हम लोग कंप्लीटली एबोलिश करने का कोशिश करेंगे, सो व्हाट काइंड ऑफ एश्योरेंस विल यू गिव टू द पब्लिक कि मनी कल्चर हम लोग इस बार इन्वॉल्व नहीं होंगे? बिकॉज सम हाउ इन द लास्ट इलेक्शन द हाइस्ट मनी वॉज इन्वॉल्व आप लोग के टाइम पे ही, सो आप लोग ऐसा क्या एश्योरेंस देंगे कि नहीं ये बार इन्वॉल्व नहीं होगा? और एलेजिंग कि आप लोगों के टाइम में ही मनी कल्चर को प्रमोशन मिला है, ये टोटली गलत है कि देखिए दिस इज एन एलिगेशन विच आई टोटली डिसएग्री। आप सीधा आप मैं मीडिया से ही पूछता हूँ, आज तक कौन सा मुख्यमंत्री आया अपार्ट फ्रॉम बीजेपी जो ओपनली पब्लिक प्लेटफॉर्म में अगेंस्ट मनी कल्चर बोलने वाला? आप बताइए, आप बताइए, दिस इज माई क्वेश्चन टू द मीडिया फ्रेटर्निटी। मनी कल्चर को लेके कौन सा मुख्यमंत्री किस पार्टी का ओपनली पब्लिक डोमेन में आके ऐसे बात किया पहले? बताइए आप लोग, नो नो सर, दिस टाइम द मनी मनी कल्चर का जेन्युइनली वी आर अगेंस्ट अगेंस्ट इन केस वी सी मनी कल्चर उसमें एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसमें कंडक्ट रूल्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि यू नो मनी किस हिसाब से कितना तक हम लोग एक्सपेंडिचर कर सकता है। उसको अलावा अगर करता है तो यू नो उसको मतलब अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए। इलेक्शन में ये आरओस होता है, वहाँ मजिस्ट्रेट्स लोग होता है, चेकिंग्स होता है, यू नो, और लास्ट 2029 इलेक्शन में मेरा इवन एज आई बीइंग एन चीफ मिनिस्टर मेरा भी चेकिंग हुआ, गाड़ी का पूरा फिक्सिंग हुआ मेरा। सो इस प्रकार का मैकेनिज्म को हम लोग और भी एक्टिवेट थोड़ा ज़्यादा करना है, मैं अपने ओर से ECI को भी बताऊँगा। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखिए मैं बोला है कि पब्लिक का माइंड सेट, जब तक पब्लिक का माइंडसेट नहीं सुधरेगा आप चाहे लाख कोशिश कर लो ये सुधरने वाला नहीं है। इसलिए तो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में चाहे यूथ का प्लेटफॉर्म हो चाहे रिलीजियस प्लेटफॉर्म हो मैं अपील करता हूँ कि इसको चर्चा होना चाहिए एंड मीडिया शुड टेक इट फॉरवर्ड। तवांग में कुछ मीडिया लोग आया था एंड मीडिया यू नो वो लोग भी बोला था कि इसको वो लोग भी लेके जाना चाह रहा है, इट्स एन वेरी वेलकम स्टेप। सो यहाँ मैं आप लोग सभी मीडिया हाउसेस यहाँ पे है, मेरा भी आप सबसे अनुरोध यही रहेगा कि आप लोग भी इस मनी कल्चर को लेके पब्लिक को भी जाके आप लोग पूछिए, उनको अवेयरनेस दीजिए, बिकॉज मीडिया प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वी कंसिडर इट एज ए फोर्थ पिलर इन डेमोक्रेसी। सो आपका भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक को अवेयरनेस कराने के लिए। Sir, will we see women reservation coming up in the next 2024 election? 24 election में हो नहीं पाएगा क्योंकि इसमें पूरा देश में वो ये सेंसस होना बाकी है। 29 तक ये पूरा रोल आउट हो जाएगा। आज वैसे काफ़ी शुभ दिन है क्योंकि आज का जो दीपावली का जो दिन है इस एन विक्ट्री ऑफ गुड अगेंस्ट द इविल, इस एन यू नो विक्ट्री ऑफ लाइट अगेंस्ट डार्कनेस। सो इस ओकेजन में अरुणाचल प्रदेश के जितने भी जो अपना जनता है आप सभी को दिवाली का बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी का घर में पूरा खुशी का दिया से जले
और दिवाली क्योंकि पहले तो होता था कि पटाखा से हम लोग सेलिब्रेट करते थे, मगर ओवर द ईयर्स देखने को मिला है कि यू नो दिस आर ऑल पोल्यूटिंग रिलेटेड अफेयर्स, तो अक्रॉस कंट्री में अभी क्रैकर्स का यूज़ करना कम हो गया है। यही मेरा अनुरोध रहेगा कि अरुणाचल इज़ नोन फॉर इस ग्रीनरी बायोडाइवर्सिटी, तो यहाँ में जितना कम हो पटाखा का यूजेज जो है वो मिनिमम होना चाहिए। सो वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, थैंक यू।